रोजगार विवार्ता में आपका स्वागत है। हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता के बाद महागठबंधन की बात शुरू हो गई है। विवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कड़वी। जयदीप जी, क्या माना जाए कि 2019 का चुनाव भाजपा बनाम महागठबंधन होगा? देखिए, ये तो अब तैसा ही नजर आ रहा है। आप देखिए कि राजनीति में किस तरीके से सोच और विमर्श बदलते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बड़ी सभा में, कांग्रेस के भी बहुत बड़े नेता हैं मणिशंकर अय्यर, केंद्रीय मंत्री भी रहे, बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और उन्होंने उस भरी सभा में खुलेआम कहा था कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात तक ही ठीक है, गुजरात में मुख्यमंत्री रह लिए वही पर्याप्त है, और वो खुद को चाय वाला कहकर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसकी बजाय तो उनको कोई चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए संसद में आने के ख्वाब देखने की बजाय। वही मणिशंकर अय्यर अब अगर ये कहते हैं कि अगर किसी भी पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी को अकेले हराना उनके बस की बात नहीं है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की महाविजय। और इसीलिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव अब सामने दिखाई दे रहा है उसके लिए घबराहट, सुबगाहट और महागठबंधन की चर्चा अगर इतने जोर शोर से हो रही है तो ये तय नजर आ रहा है कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर तो पूरे देश की लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके भाजपा के वर्तमान रथ को नहीं रोक पाएगी। बिहार में महागठबंधन का प्रयोग सफल रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में शुरू होने से पहले ही ठंडा हो गया, क्या कारण है? देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण कारण है। एक तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो केवल यहां तक सीमित नहीं है कि बहुत अद्भुत और विस्मयकारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला जो पिछले 40 सालों में किसी को नहीं मिला, और इसके पहले भी जो मिला था वो 309 सीटें थी एक अकेली पार्टी की जो कांग्रेस को मिली थी। हमको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनावों में उस मुहाने पर खड़ी थी जहां से उसकी सफलता विफलता दोनों के ही रास्ते तय होने थे। आप ये सोचकर देखिए कि परिणाम अगर इसके ठीक विपरीत होते, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती या बुरी हार होती या बहुत कम सीटें आती, तो निश्चित तौर पर इसको बिहार से ही जोड़ा जाता जिसका जिक्र आपने किया, और कहा जाता कि जिस तरह बिहार में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अपने परिणाम को दोहरा नहीं पाई है वैसा का वैसा उत्तर प्रदेश में भी हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है वो केवल ये नहीं है कि महागठबंधन वहां नहीं बन पाया और वो फेल हुआ, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी मेहनत, रणनीति, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों को, लगभग 70 उम्मीदवार ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के पास जो दूसरी पार्टियों में बसपा में रहे हैं, सपा में रहे हैं, और उनको वो तोड़कर अपने में शामिल करके लाए हैं, और उनका विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। एक बड़ी बात यह जो गांव-गांव में वो गए, लगातार मेहनत की, इस तरह के उम्मीदवारों को बिहार में जुटा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं हो पाया था। लेकिन मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर की वहां भी की थी, संघ ने भी बहुत मेहनत की थी। दिक्कत हुई थी कि दो ऐसे धुर विरोधी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों साथ में आ गए थे, और वो जो गठजोड़ था उसकी वजह से जो जातीय समीकरण जमीनी स्तर पर बना, जो धार्मिक समीकरण जमीनी स्तर पर बना, उसको तोड़ पाना, भेद पाना अमित शाह के बूते की बात नहीं रह गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि उनकी जमीनी रणनीति, गांव-गांव में जाना, लगातार सभाएं करना, जिला स्तर पर बैठ के लेना, जिले के अंदर जाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को खुद ढूंढना, उनसे फोन पर बात करना, ये कुछ रणनीतियां थी अमित शाह की जो कारगर साबित हुई। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ भी तो कांग्रेस और सपा का, जिसको आप महागठबंधन तो किसी स्तर पर नहीं कह सकते, उस गठबंधन में भी दरअसल ये हुआ था कि दो डूबने वालों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और दोनों ही डूब गए। सपा सरकार के खिलाफ जिस तरह का जनाक्रोश था, सत्ता के खिलाफ जिस तरह का आक्रोश था, उससे खुद अखिलेश यादव भयभीत थे और वाकिफ भी थे, इसीलिए पारिवारिक ड्रामा भी किया गया। अखिलेश यादव को युवा मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह के आक्रामक फैसले लेने थे, जिस तरह की छवि गढ़नी थी, कुंभ का इतना बड़ा हादसा हुआ वो नहीं गए, शहीद सैनिक जो मारे गए उनके परिवारों के पास पहुंचने में वो नाकामयाब रहे, अचानक वो 1.5-2 साल पहले जा रहे और इतनी सारी योजनाओं का शुभारंभ कर दिया कि जो कोई भी अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। वहीं राहुल गांधी ने जब लगातार पदयात्राएं की, खाट सभाएं की, तो उनको समझ में आ गया था कि सारी सीटों पर 403 सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा करना और उनको जीता पाना कांग्रेस के बूते की बात नहीं है, पैसा भी खर्च होगा, समय भी लगेगा और अंततः हमारे उम्मीदवार जीत नहीं पाएंगे, कितनों की जमानत जब्त होगी, यही उनको समझ में आ गया था उस वक्त। तो इसीलिए उन्होंने भी तो दो डूबने वाले वहां पर, अगर इसी गठबंधन में मायावती शामिल हो जाती तो हो सकता है परिणाम बेहतर होते, फिर भी भाजपा को हरा पाते या नहीं, ये तो अब ऐसी विवेचना है जिसका कोई सही उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि ये केवल कयासों पर आधारित है। लेकिन वोट प्रतिशत आज भी आप जोड़ लें, बसपा को इतनी कम सीटें, 17 सीटें आने के बाद भी 22%
का लगभग वोट मिला है और उसमें आप सपा और कांग्रेस का जोड़ ले तो केवल वोट प्रतिशत, हालांकि केवल गणित है, मैं इसको सही इसलिए नहीं मानता हूं कि 22% में भी फिर आप देखें कि जो बसपा के उम्मीदवार जीते हैं अगर वो भारी अंतर से जीते हैं तो वो सारे मिलकर भी वोटों के प्रतिशत को बढ़ाने में योगदान देते हैं। लेकिन एक संभावना तो थी, अगर ये सारे मिलकर साथ में चुनाव लड़ते तो अचानक से गणित गड़बड़ा जाता और हो सकता है कि इतनी बड़ी महाविजय तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाती। इसी सब को देखते हुए, बिहार के जो परिणाम आए थे उसको देखते हुए, अब अचानक कांग्रेस के भी शीर्ष नेतृत्व से ये स्वर बुलंद होने लगा है। और अगर ये स्वर बुलंद हो रहा है तो मैं यहां फिर से आगाह करना चाहता हूं उन लोगों को जो कि ये सपना देख रहे हैं और लगातार मोदी और भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कि वो ऐसे स्वर बुलंद करके आखिरकार अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान छवि को मजबूत कर रहे हैं, गाढ़ा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का इस समय जितना विरोध होगा, जितने प्रहार उन पर होंगे, जितने राजनीतिक जुमलेबाजी और बयानबाजी उनके खिलाफ होगी, उनकी छवि उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। ये लगभग वैसा ही है, ठीक वैसा तो मैं इसको अभी भी नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग वैसा ही है जैसा इंदिरा गांधी का एक जमाने में था कि जितना उनका विरोध हुआ उतना वो बड़ी होती चली गई, उतना वो मुखर होती चली गई। अब जो महाविजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जितना विरोध करेंगे उतने ही वो बड़े और मजबूत होते चले जाएंगे। आपको कोई नया समाधान लाना पड़ेगा इसके खिलाफ। ऐसे दल जो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, दूसरी ओर हम देख रहे हैं उन सभी के जो नेता हैं उनकी नजर प्रधानमंत्री पद पर है, तो गठबंधन कैसे चलेगा? ऐसा हमेशा से हुआ है। आप देखिए कि देवेगौड़ा भी इस तरह की गठबंधन सरकार की देन थे और इंद्र कुमार गुजराल भी, और उस वक्त उसमें जो गठबंधन हुए थे उसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे के नेता थे जो कि खुद प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन आखिरकार उनको देवेगौड़ा को इसीलिए आगे करना पड़ा कि उनकी ख्वाहिशों को दबाकर एक सर्वमान्य नाम है, इसीलिए गुजराल भी बने, इसीलिए चंद्रशेखर भी बने। तो चंद्रशेखर, देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ये इसी तरह के गठबंधन की राजनीति से उपजने वाली सरकारों की देन थे, लेकिन हमने ये भी देखा कि इस तरह की सरकारें ज्यादा चल नहीं पाई, इनके आपस के झगड़े हुए, जो जुटाया हुआ बहुमत था वो आखिरकार कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हुआ, फेल साबित हुआ। इसलिए इस तरह का कोई प्रयोग होता भी है उसके पहले ही उसके परिणामों को भी वो लोग देख लें और फिर जान लें, क्योंकि वो नेता कौन है? वो नीतीश कुमार है, वो लालू प्रसाद यादव है, वो ममता बनर्जी है, वो अरविंद केजरीवाल है, वो अखिलेश यादव है, वामपंथ के नेता हैं सीताराम येचुरी और दूसरे जो वामपंथ के नेता हैं बचे, इसके अलावा दक्षिण भारत से कोई एक दो नेताओं को अगर ये जोड़ पाते हैं तो वो हैं। तो ये सारे नेता मिलकर आखिरकार ऐसी ही खिचड़ी पकाएंगे जिसमें से सभी को अपने अपने हिस्से का फायदा देखना पड़ेगा, और सब अपना हिस्से का फायदा जब देखेंगे तो इस तरह का टिकाऊ गठजोड़ नहीं बना पाएंगे जो नरेंद्र मोदी की चुनौती का सामना कर सके। इस तरह के प्रयोग से कहीं ना कहीं देश को भी नुकसान होगा। निश्चित तौर पर देश ने गठबंधन की राजनीति को काफी देखा, भोगा और सहा है, और हमने बीच में ये भी देखा है कि राज्यों में भी इस तरह के गठबंधन के दौर आए थे। अभी हमने हाल में मणिपुर में और गोवा में भी जो देखा है वो गठबंधन की सरकारें हैं, और भाजपा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आप देखिए कि अगर 10 या 11 लोगों को वो जुटा कर लाए हैं तो उसमें से 8-9 लोगों को मंत्री बना दिया गोवा में, तो आप फिर किस तरह के समझौते करते हैं गठबंधन में? तो गोवा में भी दिख रहा है, मणिपुर में भी दिख रहा है। तो अगर इस तरह के समझौतों से बचना है, सुशासन लाना है, अच्छी सरकार चलानी है, तो गठबंधन से परे जाना होगा। ये भारत की राजनीति से हमें बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। इसीलिए जनता भी आजकल, आप देखिए कि अगर सत्ता के खिलाफ आक्रोश था भी उत्तर प्रदेश में, तो सारा वोट बसपा और भाजपा में भी विभाजित हो सकता था, जो कि नहीं हुआ, और इसीलिए इतना जबरदस्त बहुमत मिल पाया और सरकार चल पाएगी। पूरी तरह से विपक्ष का गायब हो जाना भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन बहुमत मिले जिसमें गठबंधन की जरूरत न हो, इससे यह होता है कि कम से कम जोड़ तोड़ की, समझौते की, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं हो पाती। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए क्या लगता है कि 2019 में मोदी या भाजपा को चुनौती मिल पाएगी? अभी तो मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि ये सारे एक होंगे। ये डर गए हैं, भयभीत हैं, इनको अपना राजनीतिक हश्र दिखाई दे रहा है, और मणिशंकर अय्यर ने जो स्वीकारोक्ति की है वो सच्चाई है। वो एक बड़े नेता हैं, जमीनी नेता भी हैं, और उस वक्त चुनावी प्रचार का दौर था इसलिए वो मोदी के खिलाफ तंज कर गए, लेकिन उनको भी अब हकीकत मालूम है। उस वक्त भी शायद वो खुद अंदाज नहीं लगा पाए थे कि लोकसभा में कितनी बड़ी जीत होगी, लेकिन अब उनको अच्छा अंदाजा है, सही अंदाजा है, अनुभवी तपे हुए नेता हैं, और उन्होंने एक तरीके से सारे विपक्ष को एक संदेश देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगर ये लोग एक नहीं होंगे तो मोदी और भाजपा के लिए तो कोई चुनौती नहीं है, और उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद जो ट्वीट किया था वो सच साबित होगा कि 2019 को भूल जाइए और 2024 की सोचिए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भाजपा बनाम महागठबंधन की, अगले बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।